हाँ बाय बाय, मेरा घर में मत घुसना ठीक है। हाँ चल खा तू, आराम से खा। देख तुझे केला खिलाया लेकिन कुछ उत्पात मत। चल उधर बैठा था बिस्तर में चढ़ गया। चल भाई क्या हो गया, ये भी डर गया मैं भी डर गया। तो गाइस बेचारे का दुख लग रहा है कि उसका मतलब क्या बोले, बेचारे का सबका लाख खराब चल रहा है। देखो एक बार मारो जोर से मारो ब्रेक, आ सुनो ब्रेक साउंड। देख रहे हो गाइस उस दिन जो मेरा हो रहा सारे गांव पा, इसके साथ सारे गांव पा हो रहा है। सो हे गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप ज्योति फ्री स्टाइल। सो गाइस अभी टाइम हुआ है 12:56 और सोचता व्लॉग बनाऊंगा लेकिन व्लॉग हुआ नहीं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि दो दिन से व्लॉग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है गाइस, क्योंकि गाइस मेरा टायर हो चुका था खराब, मतलब टायर के ट्यूब फट गया था मेरा। तो आपने शायद स्टोरी में देखा होगा, अगर अभी तक इंस्टा में अगर फॉलो नहीं किया तो नीचे आ रहा होगा फॉलो कर दीजिएगा। और मेरे साथ है आज विवेक। यो ब्रो हाउ आर यू, ठीक है भैया, सब हाल चाल ठीक है? क्या देख रहे हो तुम, क्या ये? ओह हैप्पी रक्षाबंधन। सो गाइस आज तो रक्षाबंधन है, मेरा बहन मुझे रक्षा मतलब क्या बोले, सबको विश कर दे हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन गाइस, सब मेरे बहन भाइयों, सब मेरा बहन है गाइस। मजाक तो ये। सो गाइस मतलब क्या है, सीन क्या है, मैं तो ट्यूब लेके आ गया और फिटिंग भी कर लिया। तो आज से शायद गाइस शायद नहीं आज से होगा प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि दो दिन में साइकिल नहीं चला। मैं मुझे खुद भी कैसा अजीब सा लग रहा था, मतलब क्या ही बोला, आप तो फीलिंग समझ रहे हो। और गाइस हम लोग बस थोड़ा सा बाकी है 9K होने के लिए, और 9K होने के बाद आप लोग को पता है कि क्या सरप्राइज आने वाला है गाइस। नहीं पता आप लोगों को गाइस एक्साइटमेंट हो रहा है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि आप लोगों को दिखाने के लिए वो सरप्राइज क्या है। अभी तक शायद विवेक को भी ऐसे से मालूम नहीं है कि सरप्राइज क्या है। तो गाइस मैं बहुत सीक्रेट छुपा के रखा हूँ। और मैं ब्रेक जो खराब हो रहा था तो ब्रेक के लिए मैं क्या किया था, डिकेटलॉन में भी गया था, थोड़ा काम था डिकेटलॉन में, तो डिकेटलॉन से ब्रेक शू लेके आ गया। तो देखते हैं ये ब्रेक शू लगाने के बाद अगर काम देता तो अच्छा ही है, होना चाहिए अच्छा। तो फिलहाल गाइस अभी वीडियो मतलब मैं इधर ही पॉज करता, डायरेक्ट हम लोग स्टेडियम में मिलेंगे, क्योंकि ये वाला ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो घर से आज स्टार्ट किया हूँ, तो डायरेक्ट अभी स्टेडियम में मिलते हैं। तो लेट्स गो। सो गाइस मैं व्लॉग बना रहा था और क्या ही बोलो, बंदर आ गया, दो बंदर घुस गया था इधर अंदर, मुझे डर लग गया था और विवेक भी था करके, क्या ही बोले एकदम गान फट गया था मेरा। तो मैं सोच रहा बंदर को खेल लेता हूँ। हाँ बाय बाय, मेरा घर में मत घुसना ठीक है। हाँ चल खा तू, आराम से खा। देख तुझे केला खिलाया लेकिन कुछ उत्पात मत करना मेरे घर में ठीक है ना। ओ भाई क्या आराम से खा रहा है, दो तीन आया था भाई इधर, मतलब क्या बोले गाइस, मतलब बिस्तर में चढ़ गया, ये लोग उधर बैठा था बिस्तर में चढ़ गया। मैं सोचा ए भाई क्या हो गया, ये भी डर गया मैं भी डर गया, फिर नहीं चला, आराम से चला गया। हम लोग को देखे वो खुद भी खिड़ी से चला गया, बिस्तर में तक आ गया था। हमारे जैसा मानव क्या कर रहे हो, वही तो खा लिया ठीक है। Few moments later. So, hey guys, तो हम लोग वापस अपने साइकिल में आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप तो सोच रहे होंगे मेरा टायर अभी पंचर क्यों है। तो मैंने तो बोला था कि मैं ट्यूब चेंज कर लिया। हाँ गाइस मैं ट्यूब चेंज कर लिया था, रात को चेंज कर लिया था, लेकिन गाइस मेन बात है कि मैंने पंप नहीं दिया अभी तक। तो पंप अभी देंगे हम लोग, फिर जा रहे हैं स्टेडियम गाइस। तो स्टेडियम में जाके बाकी और बहुत सारा बात करेंगे, शायद तक ब्रेक भी ठीक हो जाएगा, नहीं पता अभी ठीक होता है कि नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ठीक होना चाहिए। फिर ऐसे स्टेडियम जाके मालूम चले कि ठीक होगा कि नहीं। लेट्स गो। उस बार शायद तक प्रेशर ज़्यादा हो गया था इसलिए गाइस टायर ब्लास्ट हो गया, लेकिन इस बार थोड़ा प्रेशर थोड़ा कम दूंगा थोड़ा सा। चलो ठीक का काम ऑन किया क्या, ऑफ किया? हाँ ठीक है ऑन किया, मुझे लगा कि मैंने ऑफ कर दिया। तो इधर मैं खुद ही हवा भरता हूँ फ्री में, तो अंकल बहुत अच्छा है तो कुछ नहीं बोलते, मेरे लिए फ्री है, सबके लिए नहीं मेरे लिए फ्री है। तो जय भद्रकाली, एक ही बार में भरता हूँ ठीक है। ओके ओ भाई भर रहे भर रहे भर रहे, ओ भाई साहब भर गया। ओके ठीक है और थोड़ा सा भर दो, हो गया। और गाइस आप लोग तो सोच रहे होंगे कि दो दिन से मैं लाइक क्यों व्लॉग नहीं आ रहा था, मेन रीज़न वही था कि गाइस ट्यूब नहीं था, मतलब ट्यूब में लाया नहीं था, और थोड़ा गाइस दुकान का कुछ काम था, इसके कारण मैं ट्यूब जल्दी ठीक नहीं कर पाता, नहीं तो एक दिन में ट्यूब ठीक कर लेता और फिर से व्लॉग स्टार्ट करता। तो मेन कारण वही था। आज जाके गाइस दो दिन के बाद एटलीस्ट ट्यूब लगा के आया हूँ कि ठीक है, नहीं चलो ठीक है ट्यूब लगा लिया, गाइस बिंदास एकदम बढ़िया से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
ओ भाई क्या गाना चल रही थी उधर, बस कॉपरेट नहीं लगना चाहिए गाइज, वे भी बंद करते हो थोड़ा, आइएगा जगह आगे स्टार्ट करूँगा। सो गाइज हम लोग ने मेरा नाम बोल के उधर से छोड़ के आ गया, क्योंकि गाइज वो गाना सुनता रहता तो कॉपरेट लग ही जाता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिर भी अगर बैकग्राउंड में आ जाता तो वैसे ही कॉपरेट लगी जाता है। तो मेनली क्या हुआ, एक वैसा ही वीडियो मेरा, एक मुझे पता नहीं था, मैं तो ब्लॉग बढ़िया से बना रहा था लेकिन बैकग्राउंड से बाद में मालूम चला कि वो साउंड बैकग्राउंड से इतना थोड़ा थोड़ा आके भी लाइक कॉपीराइट लग ही जाता है। तो मुझे ये बेकार वीडियो ख़राब नहीं करना है, तो पहले सुन के मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो। और देख सकते गाइस हम लोग स्टेडियम पहुँच ही गए, दो दिन एक भी गाइस व्हीली नहीं उठाया, तो व्हीली एक हो जाए आज का वीडियो का फर्स्ट व्हीली। ओके ब्रेक वेक नहीं है गाइस, मैं कैसे व्हीली उठा रहा हूँ आपको मतलब आप समझ सकते हो ना मेरा दुख दर्द। एक बात तो वो फैंसी के साइड में गाइस मैनुअल देते हुए जो भाई साहब जो गाइस मैं बच्चा ना, मैं अभी भी शुक्रिया करता हूँ भगवान मुझे बचा लिया अच्छे से, बहुत अच्छे बचाए मेरा लूना मुझे बचा लिया। हो भाई साहब स्टेडियम पहुँच गए गाइस, भाई देखना पड़ेगा कौन कौन आया है स्टेडियम में, कोई नहीं है, मैं आया है सिर्फ ऐसे मैं ही आया हूँ, एक लौता आया हूँ, कोई आजकल सीरियस है ही नहीं प्रैक्टिस के लिए गाइस, कोई नहीं मैं तो सीरियस हूँ। स्टेडियम में आके गाइस कुछ अलग ही सुकून है, सुकून। सो गाइस मैं बोल रहा था कि डिकैथलॉन से मैंने ये ब्रेक पैड लाया हूँ, तो ये ब्रेक पैड काम करता है कि नहीं अभी देखते हैं। पुराना वाला खोल के रखूंगा बैग में, अभी नया वाला लगूंगा, नया वाला लगाने के बाद अगर ब्रेक लगता है गाइस तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगता है तो गाइस मैं पूरा ब्रेक ही चेंज कर दूंगा सोच रहा हूँ। तो अभी फिलहाल ये खोलता हूँ, खोल के नया वाला लगा, तो आप लोग देखते रहिए। और गाइस प्रियम आ रहा है, शुभंकर आ रहा है, XMTB आ रहा है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये तो पुराना वाला ब्रेक पैड्स है और इसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो ये चेंज करके अभी नया वाला ब्रेक पैड लगा रहा हूँ। देखिए ये ब्लू कलर में है, इतना सुंदर है, ये वाला लगा के देखता हूँ लगना तो चाहिए, लेट्स चेक इट गाइस, ये लगा लेता हूँ फिर देखता हूँ ब्रेकिंग कैसा होता है। सो गाइस फाइनली हम लोग का ब्रेक लग चुका है, तो देख सकते चक्कर तो थोड़ा फ्री है अभी, ये देख रहे हो थोड़ा घूम रहा है अच्छे से, ब्रेक अभी मार के देता हूँ। डिस्क में शायद वो जो मैंने बोला था रास्ता में जो यूज़ करता है अलकतरा, वो शायद थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, उसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी चेक करता हूँ कि डिस्क सही है कि नहीं, तो मैं पहले सीट ठीक करूँगा फिर उसको चेक करूँगा, पहले सीट थोड़ा सीधा कर। सो गाइज सीट भी हो चुका है ठीक, ओ सीट तो इधर से थोड़ा उसका शायद शोल्डिंग थोड़ा खुल गया है, उसको फिर से जोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं जोड़ देंगे गाइस, कोई नहीं जोड़ देंगे। तो यह सीट थोड़ा बैंड कर लिया, अभी होगा असली टेस्टिंग गाइस, लगा लिया सीट अच्छे से, अभी होगा टेस्टिंग गाइस। ओ भाई ये तो और भी नहीं लग रहा है गाइस, पहले तो जो लग रहा था ये और भी नहीं लग रहा है, नहीं कोई नहीं नया ब्रेक शो है, अभी दो और थोड़ा सा घिस जाएगा तो ठीक हो जाएगा गाइस, देखते हैं कितना घिसने के बाद ठीक होता है। और हम लोग का बीच गाइस आ चुके हैं, देख सकते हैं दो राइडर आ चुके हैं, एक है माइटी और एक है शुभंकर आ चुका है। ए राम इसका आई फ्लू हुआ है, ओए कैसे हो गया आई फ्लू गाइस, इसका आई फ्लू हुआ है, ए भगवान कहाँ हाँ ब्रेक खत्म गाइस, सबका सनी लगा है, सबका ब्रेक खत्म है, इसका भी मैंने तो मैकेनिकल लगा लिया, फिर से ये मैकेनिकल लगा ले गाइस, मतलब क्या ही बोले सबका ब्रेक खत्म है, कुछ हो रहा है कुछ तो सनी लग गया गाइस, हम लोग का नजर लग गया है, अभी बस निशान का ब्रेक बचा है, सबका हाइड्रोलिक खत्म, इसके तो खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, सबका ब्रेक खत्म। मैं आज नया ब्रेक शू लगाया, देखते हैं क्या होता है, तो अभी टेस्टिंग करता हूँ थोड़ा। क्या था ये कुछ तो था गाइस, भाई साहब ब्रेक तो गाइस मतलब फ्री हो रहा है, जाम नहीं हो रहा है लेकिन उतना लग नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है तो अंदर से एक फील आ रहा है कि नहीं चलो धीरे धीरे शायद लग जाएगा गाइस, धीरे धीरे लग जाए, एक पॉजिटिव थिंकिंग मैं खुद से ही ला रहा हूँ कि धीरे धीरे आ जाएगा। विली विली चलो ठीक है, विली तो सही हो रहा है, ब्रेकिंग कितना लगता है वही नहीं पता। हाँ ठीक है, वही के लिए ठीक है गाइस। सो गाइस अभी थोड़ा ब्रेक थोड़ा लग रहा है, अभी लग रहा है कि हाँ थोड़ा ब्रेक लग रहा है बोल के, तो फिलहाल क्या करता हूँ थोड़ा जस्ट नॉर्मली थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ कि कितना तक प्रैक्टिस हो पाता है, तो थोड़ा करके कर रहा हूँ,
और इसका गाइस थोड़ा भी ब्रेक नहीं लग रहा है, इसका मतलब थोड़ा भी ब्रेक नहीं लग रहा है, तो पर ख़त्म है भाई क्या ही बोले, सबका मतलब एल लग गया गाइस, एल। चलो हम लोग ट्राई करते हैं, क्रिस क्रॉस करने गया था गाइस लेकिन हुआ नहीं। एक चीज ट्राई करता हूँ, क्रिस क्रॉस पैर देखे डायरेक्ट इसे जम मारूंगा। ओह नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई नहीं, और एक बार ट्राई करेगा, और एक बार डायरेक्ट जंप। हो गया, हो गया गाइस, हो गया। ओ भाई डरा नहीं रे, अच्छा लगा, यही डर चाहिए। सो गाइस, ओ भाई साउंड बढ़िया है। सो गाइस बेचारा का दुख लग रहा है कि उसका मतलब क्या बोले, बेचारा का सबका लाख खराब चल रहा है। देखो एक बार मारो, जोर से मारो ब्रेक, आ सुनो ब्रेक का साउंड देख रहे हो गाइस, उस दिन जो मेरा हो रहा सारे गवा पा, इसके साथ सारे गवा पा हो रहा है। तो वो ये गाइस, मैं उस दिन जो गाइस घटना हुआ था, घटना मतलब मेरा जो टायर ब्लास्ट हुआ था, मैं एक क्लिप दे रहा हूँ, आप लोग पहले देख लीजिए क्लिप। टू टायर ब्लास्ट होने लगी, यस। सो गाइस ओ भाई साहब क्या ही ब्लास्ट हुआ भाई साहब, गॉन गाइस। आप लोगों ने क्लिप देख लिया, तो क्लिप में क्या हुआ, मेरा हो गया पॉपट गाइस। पॉपट कैसे हुआ, लाइक मैंने कुछ थोड़ा, मेरा गलती का वजह से हुआ, मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही पम्प दे दिया था चक्का में, तो चक्का में ज़्यादा पम्प देने के वजह से गाइस प्रेशर गिरा, इसलिए ट्यूब ब्लास्ट हो गया। तो मैंने एक नया, उससे ब्लास्ट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गाइस मैं एक नया ट्रिक सिखाऊँ, जो ट्रिक आप लोग को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अभी स्केट पार्क में वो ट्रिक दिखाऊंगा, स्केट पार्क में चलते हैं हम लोग, फिर आपको दिखाऊंगा क्या ट्रिक है गाइस, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। चलो लेट्स गो। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी स्केट पार्क में, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज नया एक ट्रिक, वो नया ट्रिक क्या होने वाला है। ऐसे नॉर्मल तो मैं आपको पता है, आपको मैं इधर 180 लेता हूँ, इधर जंप लेता हूँ, लेकिन 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 गाइस तो इतना दिन से मेरा माथा मैन क्यों नहीं आ रहा था, मैं इधर से ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, इधर से लेके इधर लैंडिंग करूँ, तो ये थोड़ा स्लोप जैसा है, तो इधर साइकिल को थोड़ा लाइक चोट भी नहीं लेगा, मतलब साइकिल को उतना तकलीफ नहीं होगा, तो इधर से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर हम लोग फ्लैट सरफेस में ऐसा फ्लैट सरफेस में डायरेक्ट लैंड करते हैं तो बहुत साइकिल को इफेक्ट गिरता है, लेकिन इधर से हम लोग डायरेक्ट इधर लैंडिंग करेंगे तो भाई साहब कुछ होने वाला है। और गाइस इधर ऐसा हाइट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, चलो लेट्स गो। तो गाइस मैं आपको अभी हाइट दिखाने वाला हूँ, क्या हाइट होने वाला है, इसमें थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन गाइस जब लैंडिंग होता है तो एक स्मूथ लैंडिंग होता है, बहुत मज़ा आता है। तुम इधर से लो, इधर से थोड़ा, हाँ इधर आना चाहिए कि हम हाइट उठाए, थोड़ा उधर से थोड़ा। तो दो कैमरा मैं ऑन कर रहा हूँ गाइस, एक उधर से होगा एक इधर से होगा। नया ट्रिक गाइस, नया ट्रिक। वू फुल पिकअप। ओ भाई साहब, और एक बार, और एक बार, और एक बार, चलो एक बार नीचे से लो, नीचे से, नीचे से। भाई साहब क्या कॉन्फिडेंस में लग, अरे गाइस साइकिल में कुछ इफेक्ट ही नहीं गिरता, क्या स्मूथली गिरता है, ऊपर उठेगा फोर्स के स्मूथली आता है। सो गाइस होप आप लोगों ने शायद आज का जंप देखा, तो मैं इसके जंप सीरीज थोड़ा और भी हाई लेवल तक ले जाऊंगा, मुझे 180 मारना है इसमें। लेकिन गाइस मेन बात है कि डर, वो डर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इधर नॉर्मली ऐसे आने से बहुत ही ज़्यादा हाइट हो जाता है, तो सोचते 180 मारूंगा तो क्या होगा। एक लास्ट जंप देखे गाइस, ये वीडियो को एंड करूंगा। भाई साहब ये गाइस हाइट देख रहे हो, कितना हाइट है गाइस देखो एक बार, और ये मेरा फेंकी। ओह नाइस, और एक फेंकी, चलो फेंकी तो इम्प्रूव हो रहा है बहुत, ठीक है। ओह गाइस आज बिना पैर नवाए एक ही बार में फेंकी हो गया, सुंदर अति सुंदर। तो हम लोग एक जंप लेंगे और ट्राई करेंगे हैंडल के ऊपर एकदम टेढ़ा करने के लिए, जय भद्रकाली, बस चेस में ना घुस जाए हैंडल। ओह भाई साहब। सो गाइस होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा। ओह मिलके मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस राइड हार्ड, राइड सेफ गाइस, राइड सेफ। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने बड़े बिना मत जाना, क्यों गाइस आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं गाइस, देखो डेली डेली व्लॉग्स ला रहे हैं,
पता है मुझे मैं बीच बीच में थोड़ा गायब हो जाता हूँ, फिर भी गाइस आपको अगर सरप्राइज चाहिए ना, मुझे पता है गाइस आप लोगों को सरप्राइज चाहिए, तो 9K जल्दी से कर दो गाइस, मुझे पता है आप लोग कर देंगे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।